Hello everyone. Welcome to Knowledge Incubator. अर्थशास्त्र क्या है के संक्षिप्त परिचय में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित है। अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारें और राष्ट्र संसाधनों का आवंटन कैसे करें, इसका निर्णय कैसे करती है, कैसे सोचती है, कैसे विकल्प चुनते हैं। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र विशेष रूप से उत्पादन में दक्षता और विनिमय पर विचार करता है, अर्थात एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अर्थशास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि दक्षता को अधिकतम करने के लिए, कार्य क्षमता को अधिकतम करने के लिए क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाएं और कैसी नीतियां बनाई जाएं। थैंक यू वेरी मच।